हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऐड बूटस्ट्रैप इन एंगुलर 11 एप्लीकेशन। अपने 11 एंगुलर एप्लीकेशन में हम बूटस्ट्रैप ऐड करने वाले हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो दुनिया भर के लोग कहते हैं ना कि टू वे टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, थ्री वे टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, फोर वे टू, अरे भाई साहब इतना नहीं होता। ठीक है, स्टैंडर्ड वे ओनली दो ही है। पहला CDN यूज़ कर सकते हो, दूसरा लोकलाइज करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वो दोनों स्टेप मैं आपको बताता हूँ। और ये दुनिया भर के आर्टिकल में जो डाल देते हैं प्रमोशन के लिए, आप उन चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि आपका जब प्रोडक्शन मोड पे कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो एरर जो जनरेट करता है ना, तो उसको ज़िंदगी भर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दुनिया भर के आर्टिकल्स में मत जाओ, जो स्टैंडर्ड वे है वही फॉलो करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओनली दो स्टैंडर्ड वे होते हैं। पहला इंस्टॉलिंग बूट स्टेप फ्रॉम NPM। NPM के थ्रू हम जो लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर लेते हैं बूटस्ट्रैप, उसके बाद अपने एंगुलर एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हैं, एक वो होता है। दूसरा स्टेप होता है ऐड बूटस्ट्रैप यूजिंग index.html थ्रू द CDN। CDN के थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों का डिफरेंट बता देता हूँ। CDN यूज़ करोगे तो जब आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगा तभी वो बूटस्ट्रैप वर्क करेगा, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज होता है हमारे ऑनलाइन सर्वर से, बूटस्ट्रैप के सर्वर फाइल से। और अगर आप लोकली इंस्टॉल करते हैं थ्रू द NPM, तो आपके विंडो मशीन में प्रॉपरली रहेगा, चाहे आपका विंडो मशीन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपका बूट स्टेप वर्क करेगा। तो यही दो स्टैंडर्ड वे होता है, और बाकी जो बताते हैं 4 वे 5 वे, ये सब चक्करों में मत पड़िए, ये सब कुछ नहीं है, इतना नहीं होता। और इतने दिन से मैं भी कोडिंग इसी पे कर रहा हूँ, तो इतना तो समझ में आता है कि ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहला तरीका, लेकिन पहला तरीका बताने से पहले मैं सबसे पहले दूसरा तरीका बताऊंगा, इसलिए क्योंकि आपको ऑनलाइन पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद विंडो को मशीन पर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा कुछ कोड है, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करूँगा। इस ये कोड को मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से कोड कॉपी कर सकते हैं। यहां से आपको डायरेक्टली कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली यहां पर index.html पे आना है। इन सारी चीज़ को एक्सपेंड करके ये देखो, जैसे आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, E2E फोल्डर, नोड मॉड्यूल फोल्डर, SRC ऐप और एसेट्स। इसके नीचे आपको दिखेगा index.html, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको टाइटल टैग के ऊपर या तो टाइटल टैग के नीचे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइटल टैग के नीचे, मैं मेटा टैग के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके सेव कर दिया, और सेव करने के बाद एक बार देख लेता हूँ हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। देखो अभी तक अलग दिख रहा था, लेकिन तुरंत चेंज हो गया जैसे ही मैंने, अब एक बार आपको हटा के दिखाते हैं क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आता। Ctrl Z करता हूँ और सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप देखो प्रोजेक्ट में हमारा, देखो वर्ड कैसा कितना थिक दिख रहा है, एकदम गाढ़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ भी जैसे मैं टाइप करूँगा आशीष, तो यहाँ देखो कितना गाढ़ा सा लिख रहा है, थिक है इसका मतलब। अब जैसे ही यहाँ पे मैं बूट स्टेप ऐड करता हूँ थ्रू द CDN, Ctrl Y Y, और सेव किया मैंने, और सेव करने कंट्रोल वाई से रेडो होता है। अब देखो हमारा कितना मतलब लाइटली दिखने लगा, बहुत छोटे तरीके से दिख रहा है, बहुत स्मॉल तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे भी जो भी नाम चेंज करूँगा, देखो कितना अच्छे से मतलब लुक एंड फील दे रहा है, एकदम सिंपल सा वर्ड, वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, गाढ़ा सा। तो इस तरीके से हम CDN के थ्रू बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको ओरिजिनल वे दिखाता हूँ, जो आपका स्टैंडर्ड वे होता है लोकल मशीन पर इंस्टॉल करके थ्रू द NPM। NPM मैंने आपको नोड पैकेज मॉड्यूल, चलो मैं आपको NPM की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको डायरेक्ट हिट करना है NPM.js, एंटर करना, तो आपके यहाँ पे NPM.js की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये है आपका NPM। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरी यहीं पे आपको रखी है, यहीं से इंस्टॉल होता है सारा। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप, तो यहाँ बूटस्ट्रैप एंटर करेंगे तो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप जो भी होगा आपको यहाँ पर आ जाएगा। सो चलो मैं इसको ही क्लिक करता हूँ, 4.6.1। अब देखो यहाँ पे देखो तरीका बताता है कि इंस्टॉल आपको कैसे करना है। यहाँ पर लिखा इंस्टॉल, इंस्टॉल के लिए कमांड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर ये कॉपी नहीं हो रहा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने का तरीका। और देखिए यहाँ पे बताया भी है कि आपको कैसे करना है, यूज़ करना है, मतलब इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। चलिए मैं ये कमांड अपने टर्मिनल पे हिट करता हूँ, NPM i bootstrap। सो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन किया, और यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ NPM i bootstrap, और एंटर कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपका विंडो मशीन पे बूट स्ट्रैप अच्छे से इंस्टॉल हो जाए, कोई भी फाइल मिस ना हो। वैसे ज़्यादा बहुत मतलब हाई वेट फाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2 MB 3 MB की फाइल होगी बस, और उससे कम ही होगी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इतना। ठीक
ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे तरीका लिखा है, मैंने लिखा हूँ इंस्टॉलिंग बूट स्ट्रैप फ्रॉम npm, npm के कमांड से हमने इंस्टॉल किया। अब क्या लिखा है, कोड अपडेट ऑन एंगुलर js फाइल, एंगुलर js फाइल पे हमें कोड अपडेट करना है और कोड ये वाला हमें अपडेट करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद पहले ये हमारा इंस्टॉल हो जाए तो एक बार आपको बाई डिफ़ॉल्ट कोड दिखा देता हूँ कि अभी कैसा वर्क कर रहा है। ओके, जब आपके मशीन पे आपका ये बूट स्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे वर्जन दिखाएगा, बूट स्ट्रैप 4.6.0 वर्जन हमारे विंडो मशीन में इंस्टॉल हुआ है। अब देखो एक बार मैं ब्राउज़र पे अपना दिखा दे रहा हूँ अभी कैसा दिख रहा है। अभी देखो वैसे ही ठीक दिख रहा है, अभी बूट स्ट्रैप ऐड नहीं है। चलिए मैं बूट स्ट्रैप ऐड करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इधर आना है सबसे पहले और यहाँ पे एंगुलर डॉट जेएसएन फाइल ढूंढना है, ये है एंगुलर डॉट जेएसएन फाइल, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टाइल नाम का एक एरे मिलेगा, ये देखो स्टाइल नाम का एरे है। इस एरे के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस इम्पोर्ट हुई है। स्टाइल डॉट सी एस एस आपको कहाँ मिलेगी, ऐप के अंदर आपको स्टाइल डॉट सी एस एस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टाइल डॉट सी एस एस व्हाटएवर मिल जाएगा, ये रखा है वैसे, ये है स्टाइल डॉट सी एस एस। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एंगुलर डॉट जे एस एन के अंदर आना है और इस एरे को अपडेट करना है, इस एरे के कोड को अपडेट करना है। अब कोड कैसे अपडेट करोगे, क्या जानोगे कहाँ है हमारा बूट स्ट्रैप, तो मैं आपको बता दूँ, जो भी आप नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं सारा का सारा हमारा कहाँ जाता है, नोड मॉड्यूल में जाता है। जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ बहुत सारी फाइलें देखेंगे, बट यहाँ पे आपको बूट स्ट्रैप ढूंढना है, BOO से आपको मिल जाएगा, ये रहा बूट स्ट्रैप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अंदर आपका बूट स्ट्रैप का सारा फोल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इसका लोकेशन बताना पड़ेगा। तो लोकेशन बताने के लिए हमने लोकेशन लिख रखा है, और मैं सिंपली इसको यहाँ से इरेज करके डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ रखा है। नोड मॉड्यूल के अंदर बूट स्ट्रैप नाम का फोल्डर है, बूट स्ट्रैप नाम के फोल्डर के अंदर डिस्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सी एस एस नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस नाम की फाइल है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट, एक बार हमारा ये फिर से रिबिल्ड होगा और कंपाइल होगा, अगेन रन होगा, ठीक है। देख लेता हूँ ये हो रहा है कि नहीं, ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। ओके, आई थिंक हो गया है। एक बार इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक बार कोड को रीरन कराना पड़ता है। तो यहाँ से हम एक बार टर्मिनेट करेंगे, इसका कंट्रोल सी करेंगे, टर्मिनेट हुआ, अगेन हम इसको रन कराएंगे, और जब दोबारा रन कराएंगे तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। अभी मैं आपको जैसे ही रन हो जाता है मैं आपको वीडियो रिज्यूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो गया है बिल्ड होना, और बिल्ड होकर तुरंत सर्वर को स्टार्ट कर देगा और हमारे ब्राउज़र पर एप्लीकेशन को ओपन करके फिर से देगा। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन करके देगा। तो आई थिंक ये वर्क करने लगेगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई एंगुलर डॉट जेएसएन पर वर्क करते हैं तो थोड़ा स्लो होता है। ये देखो हमारा प्रॉपरली वर्क करने लगा, यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अभी तक वैसे हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था, और लेकिन अब ऐसे दिखने लगा। तो इस तरीके से आप लोकलाइजेशन करके अपने बूट स्ट्रैप को अपने एंगुलर एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप फालतू के आर्टिकल्स में मत जाओ, आप डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड वे है वही फॉलो करो। स्टैंडर्ड वे हमेशा दो ही होता है, कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करने का, यूज़ करने का, थ्रू द CDN एंड थ्रू द लोकल इंस्टॉल करके। और वो जो बाकी चीज़ें बताया जाता है वो जुगाड़ बताया जाता है, तो जुगाड़ मत करिए, आप लोग स्टैंडर्ड चीज़ पढ़िए जो आपको बाद में काम देगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।